हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आपका 8th क्लास है, 8th क्लास का साइंस का यहाँ पे जो 6th वाला चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो उसका यहाँ पे जो एक कंप्लीट एक्सरसाइज होता है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जो सबसे सिंपल होता है, यानी चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको क्या करना होता है कि एक तरह से हम लोग जो ये होता है ना कि आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सेंटेंस के अंदर फिल करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, ये सारे के सारे जो आंसर है हमने डायरेक्ट लिख दिए, ओके। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ऑड टर्म आउट एंड एक्सप्लेन, ओके, आपको यहाँ पे ए से लेके एफ तक यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, ओके, 4 चर के पेयर में। आपको क्या करना है, ये 4 चर के पेयर में से अगर आप देखोगे तो गोल्ड सिल्वर कॉपर और ब्रास, अगर आप चारों में से देखोगे तो चारों में तीन तो यहाँ पे आपको मेटल है, ओके, गोल्ड सिल्वर और कॉपर, ये प्योर मेटल है। लेकिन अगर आप देखते हो कि ब्रास है, ब्रास क्या है, एक तरह से मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपको एक वर्ड अलग लगता है उस वर्ड को आपको लिखना है, ओके। उसी तरीके से आप सेकंड वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओके, तो ये आप देख सकते हो। थर्ड वाला मिल्क, लेमन जूस, कार्बन और स्टील, ओके, ये आप देख सकते हो। फोर्थ वाला है वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमिन और पेट्रोल, ये आप देख सकते हो। ब्लू, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रोल में देखो, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन में देखो, तो इस तरीके से आपको एक जो डिटेल आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज इन द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव अवे ऑक्सीजन, आइडेंटिफाई द फोर कॉम्पोजिट कंपाउंड्स ऑफ द प्रोसेस एंड नेम देयर टाइप्स, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एक प्लांट है वो किस तरीके से अपना फूड बनाता है और साथ में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो प्लांट होते हैं उनके मदद से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये है, ओके, अगर आप क्या करते हो, जो आपका ये है ग्लूकोज है, ओके, अगर आप C6H12O6, ओके, ये आपका है, ये आपका कैसे बनता है, ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और CO2, ओके, और CO2 और प्लस आपका जो ये है H2O है, उसकी मदद से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फॉर्म होता है, ओके। लेकिन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग होता है। यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखा है वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो आप अगर बैलेंस करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन O2। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे कि इन वन सैंपल ऑफ ब्रास द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट वेयर फाउंड, जैसे कॉपर होता है और जिंक होता है ब्रास के सैंपल में, ओके, आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। तो आपको ये पता है कि ब्रास एक क्या है, अलॉय है, ओके, एक तरह से मिक्सचर है जिसमें कॉपर और जिंक दोनों होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को देखना है, ओके। तो इसमें सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्यूट क्या रहेगा और सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि सी वॉटर टेस्ट सॉल्टी ड्यू टू द डिजोल्व सॉल्ट, द सैलिनिटी, ओके, द सैलिनिटी ऑफ द सम वाटर बॉडी लोनार लेक इज 7.9, ओके, परसेंट, पैसिफिक ओशन इज 3.5 और मेडिटेरियन सी इज 3.8, डेड सी इज 33.7, एक्सप्लेन दो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्सिमम फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, ओके। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हर एक सी का जो सैलिनिटी पावर है और उसको अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, तो ऐसा क्यों होता है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी है वो सबसे कम है, ओके, मैंड्रियन सी में सैलिनिटी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप लोनार लेक की बात करो तो वहां पे अगर आप सैलिनिटी देखते हो तो वो 7.9 है, लेकिन अगर वही आप डेड सी में देखते हो तो उसकी सैलिनिटी कितनी है, 33.7। और यहाँ पे एक बात आपको बता दे कि ये जो लोनार लेक दिख रहा है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, यानी दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर रिजर्वायर है, ओके, और ये कहाँ पे है, आपको रशिया के अंदर है, ओके। इसके लिए रशिया में हर एक चीज है, ओके, हर एक चीज, चाहे आपको प्राकृतिक हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम हो, हर चीज आपको रशिया के अंदर मिलेगी।
और यहाँ पे जो पीने के पानी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे वर्ल्ड का, वो आपको रशिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए रशिया किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये वेरिएबल कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, डेड सी और पैसिफिक ओशन के, होमोजिनस हेट्रोजिनस क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव द टू एग्जाम्पल ईच, यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे पूछे हैं, जैसे लिक्विड एलिमेंट के दो एग्जाम्पल है, गैसियस एलिमेंट के दो एग्जाम्पल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉलिड एलिमेंट के दो एग्जाम्पल कार्बन और आयरन, ओके, होमोजिनस मिक्सचर के दो एग्जाम्पल एयर और सॉल्ट वाटर, ओके, उसी तरीके से कोलाइड्स के दो एग्जाम्पल मिल्क और फॉग, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो एग्जाम्पल इथेनॉल और ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो एग्जाम्पल क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दो एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दो दो एग्जाम्पल किस तरीके से हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, उसके बाद मेटलॉइड्स के दो एग्जाम्पल यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम, एलिमेंट्स विद द वैलेंसी वन के दो एग्जाम्पल हाइड्रोजन और फ्लोरिन, एलिमेंट विद द वैलेंसी टू के एग्जाम्पल यानी आपका जो ग्रुप टू है ऑक्सीजन कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वैलेंसीज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवेन बिलो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पोटेशियम क्लोराइड दिया है आपको, उसके अंदर क्या वैलेंसी है, ओके, हाइड्रोबोरिन दिया है, ओके, मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है, ओके, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम ऑक्सीजन दिया है, ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कैल्शियम क्लोराइड दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे भी आपको कैल्शियम क्लोरेट है, उसके बाद हाइड्रेट आयोडाइड है, उसके बाद यहाँ पे आपको हाइड्रेट सल्फेट है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे जो ये है, ओके, कंपाउंड है आपको वो दिए हैं, और सबके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं और साथ में उसकी वैलेंसीज क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्या होता है उसका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, फेरस सल्फेट क्या होता है, ओके, और बेरियम क्लोराइड क्या होता है, ये सारी चीजों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है साथ में जो वैलेंसी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, अभी यहाँ पे आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स वाला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सम मैटर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई द मेन टाइप ऑफ मैटर फ्रॉम देयर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि नेम ऑफ द मैटर पूछा है, केमिकल कंपोजिशन दिया है, और आपको क्या बताना है मेन टाइप ऑफ द मैटर, या मैटर मिक्सचर है, कंपाउंड है, या कोई एलिमेंट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप सी वाटर के देखो तो सी वाटर के अंदर आपको H2O देखने के लिए मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और भी बहुत सारे जो ऐसे मिनरल्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिस्टिल वाटर में सिर्फ आपको H2O देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का मैटर है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट द साइंटिफिक रीजन, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर देना है। ओके, हाइड्रोजन इज द कम्बस्टेबल, ऑक्सीजन हेल्प द कम्बशन, बट वाटर हेल्प टू द एक्सटिंग्विश फायर। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आपको सबके यहाँ पे जो एक साइंटिफिक रीजन है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। ओके, तो इसका क्यों ऐसा होता है, तो वो यहाँ पे आपको दो रीजन तो ऑलरेडी दिए हैं, पार्टिकल साइज और फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि लेमन शॉर्बेट हैज द स्वीट सॉर एंड द सॉल्टी टेस्ट एंड इट कैन बी पोर इन द ग्लास। ओके, अगर आप देखोगे कि जो लेमन शॉर्बेट होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, स्वीट सॉर एंड सॉल्टी होता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीट टेस्ट, सॉर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट और पोरेबल इन द ग्लास, तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजों का जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि ए सॉलिड मैटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, अगर आप देखोगे कि एक सॉलिड मैटर को ले लो आप, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होता है, उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। ओके, आप किसी भी सॉलिड के शेप और उसके वॉल्यूम को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे वही सारी चीजें आपको बताई गई है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का, एज कंपेयर टू अगर आप लिक्विड और गैस को लेते हो तो। ओके,
उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है 8 वाला, कि डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की मदद से जो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ओके, तो उस हिसाब से क्या है, बी में देखिए वैलेंसी आपकी नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की दी है, यहाँ पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन की दी है, यहाँ पे आपको कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जो एक प्रोजेक्ट टॉपिक है जिसमें आपको पूछा गया है कि कलेक्ट द रैपर्स ऑफ द रेडीमेड फूड स्टफ, यूज द इंफॉर्मेशन गिवेन एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ फूड स्टफ एंड द इंग्रेडिएंट इन इट। ओके, अगर आप देखते हो कि कोई भी अगर आप फूड प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आपका चिप्स का पैकेट हो, चॉकलेट का पैकेट हो, तो उसके पीछे आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट देखने के लिए मिलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बहुत सारे रैपर को ये करना है, कलेक्ट करना है, और उसका जो चार्ट है उस चार्ट को आपको प्रिपेयर करना है, और कौन से फूड के अंदर कौन से ये है, ये है क्या बोलते हैं, उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, और ये आपको डिस्कस विद द फ्रेंड एंड टीचर, टेस्ट द प्रोसीजर इंग्रेडिएंट विद द कंबशन टेस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ओके, और आपको उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर होता है वो आपको दिया है, और यहाँ पे आपको प्रोसीजर के अलावा और कुछ नहीं हमने बताया है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट में, हर एक आपको हर एक प्लास्टिक रैपर के ऊपर, हर एक फूड स्टफ्स के ऊपर आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट देखने के लिए मिलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग एक प्रॉपर चार्ट आप बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम यहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और आप सभी को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियो है स्टडी रिलेटेड आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।